हरे कृष्णा। तो आज का हमारा जो विषय है वह है परिवर्तन से भय। कई बार लोगों के दिमाग में ये चलता रहता है कि आने वाले समय में मेरे साथ ये हो जाएगा या मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएगी जिनको वो स्वीकार नहीं करना चाहते अपने जीवन में, या यूं कहें कि जो परिवर्तन उनके लिए अनुकूल नहीं है उनको वो कदापि नहीं स्वीकार करना चाहते। आने वाले समय में हमारे जीवन में क्या घटनाएं होगी हम जानते नहीं हैं, वो एक तरह का परिवर्तन है हमारे जीवन के लिए, लेकिन उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी की नौकरी चली जाती है, कोई फेल हो जाता है कॉलेज स्कूल में, किसी का व्यापार डूब जाता है और ऐसे परिवर्तन को वह झेल नहीं पाता और इस प्रकार से वह अपने आप को समाप्त कर लेता है, अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। तो परिवर्तन हमारे जीवन में आएगा, इसके लिए भगवान भी भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। हे अर्जुन, बचपन से लेके कौमार, उसके बाद जो है बुढ़ापा, उसके बाद जो मृत्यु, ये परिवर्तनशील हमारा शरीर है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से भयभीत नहीं होता, मोहित नहीं होता। तो हमारे जीवन में यदि कुछ परिवर्तन हो रहा है तो इससे हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही परिवर्तनशील है। भगवान ने ये जो सिस्टम बनाया है इस संसार का वो परिवर्तनशील है, आप उसको रोक नहीं सकते। और ये नहीं होगा तो सारा कालक्रम, सारा चक्र जो है काल चक्र, वो रुक जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक व्यक्ति को हमेशा तैयार होना चाहिए कि कैसे वो परिवर्तनों को स्वीकार करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज ये है हमारे जीवन में कि हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहते। परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे तो हमेशा हम परेशान रहेंगे अपने जीवन में, और जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करेगा वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते जाएगा या प्रगति कर सकता है। तो परिवर्तन को कैसे स्वीकार करें यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। तो कहते हैं कि परिवर्तन हमारे जीवन में यदि स्वीकार करना है उसके लिए एक ही दवाई है, एक ही उपाय है, और वो क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। क्योंकि जो परिवर्तन का भय है वह केवल अभय चरणारविंद यानी भगवान के चरण कमल को जब हम स्वीकार करते हैं, उनके शरणागत हो जाते हैं, तब भगवान हमें क्या करते हैं? हमें उस भय से बचा लेते हैं, परिवर्तन के भय से हमें बचा लेते हैं। तो परिवर्तन का भय हर एक के जीवन में है, यदि उसे बचना है इस परिवर्तन के जीवन से, परिवर्तन से, तो क्या करना चाहिए? उसे भगवान की शरणागति लेनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। नहीं तो आने वाले परिवर्तन से वो इतना भयभीत होगा व्यक्ति कि आपको पता नहीं, भारत में ऐसे मानसिक बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। पहले भारत में मानसिक कोई बीमारियां नहीं होती थी, शारीरिक बीमारियां होती थी, लेकिन मानसिक बीमारियों को भारत ने विदेशियों को भी छोड़ दिया है। इस तरह से मानसिक स्थितियां लोगों की बदल रही है। उसका कारण क्या है? केवल परिवर्तन से भय कि मेरे जीवन में ये परिवर्तित हो जाएगा, मेरे जीवन में वो परिवर्तित हो जाएगा। इस भय की चिंता के कारण वो चिंताग्रस्त होकर मनोदशा उनकी ठीक नहीं हो रही है, इसी कारण से वो मनोरोग हो रहा है उनको। तो ऐसे रोगों से बचने का उपाय हमारे लिए केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल है। यदि हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इस परिवर्तन के भय से हम बच जाएंगे। हरे कृष्णा।